Good morning, dear students. This is Puspanjali Singh, your science teacher, and I welcome you all in DSS online classes. Today, I am going to continue chapter 4 that is heat. In this chapter, we all will read about what is the precaution is used. Of clinical thermometer what is laboratory thermometer what is transfer of heat etc today we all will read about which is the precaution is using by a clinical thermometer and what is laboratory thermometer let's start the topic what is the precaution use of clinical thermometer kya kya precaution रखनी चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते समय क्या क्या फर्स्ट वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर यूज एंड देन नेक्स्ट इंश्योर स्योर द इंश्योर स्योर द बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज बिलो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर को वॉश यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद व, व, क्या करना चाहिए वॉश करना चाहिए और ये श्योर sure हो कर लेना चाहिए कि जो मर्क्यो मर्करी है थर्मोमीटर में उसका लेवल कितना हो बिलो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड नेक्स्ट कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल और क्या हमेशा जो रीड uh, करते समय किसको थर्मामीटर को रीड करते समय हमेशा थर्मामीटर को कैसे रखना चाहिए स्ट्रेट रखना चाहिए ताकि हम मरकरी का लेबल क्या कर सकें पढ़ सकें आसानी से पढ़ सकें नेक्स्ट होल्ड हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर इफ इट इज ब्रेक डाउन डो नॉट टच द बल्ब एट ऑल अगर थर्मोमीटर कभी क्या हो जाए ब्रेक हो जाए तो कभी भी उसके बल्ब को क्या करना चाहिए टच नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि उसमें क्या फील होता है मर्करी मरकरी इज अ मेटल एंड इट इज वेरी पॉइजनस सब्सटेंस एंड नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे हम क्या क्या ये उस थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर उस डिजाइन का बना होता है जो केवल किसको मेजर कर सके वनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या हम थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं नहीं डू नॉट यूज़ अ clinical thermometer फॉर मेजरिंग द temperature ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी हम क्या कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को छोड़ के दूसरे चीज के चीज़ को क्या कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं नहीं मेज़र कर सकते क्यों नहीं मेज़र कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल यू नो डैट बॉइलिंग वाटर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आप जानते हो जो बॉयलिंग वाटर होता है वो क्या होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज जो होता है थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस होता है अब टेम्परेचर ल लॉट ऑफ हीट ट्रांसफर द थर्मोमीटर बल्ब मरकरी मर्करी विल राइज अब बट देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू मरकरी टू राइज अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज जो होता है थर्टी फाइव टू फोर्टी टू होता है अब बॉयलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री होगा अब अगर बॉइलिंग वाटर को हम क्या करें क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या करें मेज़र करें उसमें उस समय क्या होगा जो मरकरी होगा वो राइस करेगा और क्लिन और उतना स्पेस किस में क्लिनिकल थर्मोमीटर में उतना स्पेस नहीं होता है ताकि क्या हो सके मरकरी उतना राइस करे और इस वजह से वो क्या होगा जब वो ऊपर जाएगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा और थर्मोमीटर क्या हो जाएगा ब्रेक कर देगा यानी थर्मोमीटर टूट जाएगा तो इस वजह से जो थर्मोमीटर का रेंज होता है थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही होता है क्लिनिकल में। अब अदर को मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का ठीक है इस वजह से हम क्या करते हैं केवल क्लिनिकल थर्मोमीटर से वनली किस चीज़ का मेजर करते हैं वनली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को एंड आल्सो एवॉड द कीपिंग थर्मोमीटर इन सन और नीयर द फ्लैम और कभी भी क्या करना चाहिए अवॉइड uh, करना चाहिए थर्मोमीटर को किस में सन के हीट में या तो ये कैंडल के फ्लेम में फ्लेम के किनारे नहीं ले जाना चाहिए क्यों क्योंकि ये मर्करी होता है बहुत सेंसिटिव मेटल होता है वो हीट करेगा और ज़्यादा हीट होगा तो वो राइज होगा और क्लिनिकल थर्मोमीटर में उतना स्पेस नहीं होता है इस वजह से मरकरी राइज करते हुए क्या हो जाएगा स्पेस न होने से वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से किस तरह हम रीडिंग को पढ़ते हैं और किस तरह उसका यूज करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक लेबोरेटरी थर्मो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये होता क्या है ये भी एक तरह का थर्मोमीटर होता है जिसका यूज किया जाता है यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस और सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है इस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है एंड इसका जो रेंज होता है यानी द स्केल इन द थर्मोमीटर रेंज फ्रॉम टेन डिग्री माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस इसका जो रेंज होता है कितना होता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से लेके वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस इससे पहले हमने क्या पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें रेंज कितना था थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से कितना था फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस और इसमें कितना होता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस होता है अब थर्मोमीटर का यूज ये लेबोरेटरी uh, थर्मोमीटर का हम यूज किस तरह करते हैं इसको हम किसके थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू रीड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को रीट करेंगे ठीक है कैसे रीड करते हैं इसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू इससे समझेंगे टेक सम हॉट वाटर इन अ बी कर डीप और लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन एट कि इन माइंड द बल्ब इज रिमोज इन हॉट वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर ये ध्यान रखेंगे ताकि क्या हो सके जो बल्ब है किसका मरक जो थर्मोमीटर में बल्ब है वो बल्ब क्या करे कंटेनर को क्या करे टच ना करे न कंटेनर के साइड वाले वॉल को और एंड नेक्स्ट होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली और थर्मोमीटर क्या करेंगे सीधे रखेंगे ऑब्जर्व द मूवमेंट इन मरकरी इन द थर्मोमीटर अब थर्मोमीटर को क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे व्हेन इट इज स्टॉप द मूविंग नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर विदाउट टेकिंग आउट ऑफ द दहाँ पे मरकरी का मूवमेंट क्या हो जाए करना मरकरी क्या करे स्टॉप हो जाए क्या करना मूवमेंट करना वहाँ पे बिना क्या किए विदाउट टेकिंग आउट वाटर वो बिना वाटर से बाहर निकाले हुए हम उस टम्परेचर को क्या करेंगे नोट करेंगे अब देखो इससे पहले हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम अपने टंग के नीचे या आर्म के नीचे रखते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं तब उसकी रीडिंग को क्या करते हैं उसको वो उस टेम्परेचर को नोट करते हैं क्यों क्योंकि उसमें क्या लगा होता है किंक लगा होता है वो क्या करता है मरकरी के लेवल नीचे ना गिरे उसको वो क्या करता है रोकता है लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें किंक नहीं होता है ठीक है इसमें किंक नहीं होता है इस वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है तुरंत क्या हो जाता है नीचे गिर जाता है किसका हाँ? ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस वजह से इसका टेम्परेचर को रीड करते समय हम जिस सब्सटेंस वाटर में है या जो भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं उसी सम सब, उसी सब्सटेंस में ही क्या करते हैं हम उसके टेम्परेचर को उस थर्मोमीटर को रख के उस समय जो मरकरी का लेवल राइज हुआ है जहाँ पे स्टॉप हो रहा है उसी टेम्परेचर को क्या करते हैं उसी टेम्परेचर को हम नोट करते हैं ताकि जब हम उसमें से निकाल लेंगे तो तुरंत मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा क्योंकि इसमें किंग नहीं होता है एंड इज द प्रिकॉशन इज यूज एंड नेक्स्ट विच इज द प्रिकॉशन यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए टरी थर्मोमीटर को यूज करते समय फर्स्ट थर्मोमीटर शुड बी किप्ड अपराइट नॉट टेल विथ वेल टेकिंग रीडिंग अब देखो थर्मोमीटर को हमेशा कैसे रखना चाहिए सीधा रखना चाहिए कभी टेल नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या करते थे थर्मोमीटर का का टेम्परेचर लेते थे किस तरह थर्मोमीटर को टेल्ट करके लेकिन यहाँ पे कैसे रखना चाहिए सीधा रखना चाहिए बल्ब शुड बी शराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय सब्सटेंस ऑन विच द टेम्परेचर इज टू तो बी मेजर्ड जो थर्मोमीटर में बल्ब है वो बल्ब क्या हो सब्सटेंस के चारों तरफ क्या होना चाहिए बल्ब अंदर होना चाहिए सब्सटेंस उसको चारों तरफ घेरा हुआ हो जिसका वो मेज़रमेंट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर और कभी भी क्या हो जिस सब्सटेंस का हम क्या कर रहे हैं टम्परेचर ले रहे हैं उस सब्सटेंस किसी ना किसी कंटेनर में रखा हो वो क्या हो उसके जो थर्मोमीटर का बल्ब हो उस कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए नहीं तो क्या होगा वो कंटेनर का ही टेम्परेचर बताने लगेगा वो एकट टेम्परेचर नहीं बताएगा एंड देन नेक्स्ट टेक रीडिंग वेल्ड थर्मोमीटर इज स्टिल इन टच विथ द सब्सटेंस हुज टम्परेचर इज़ बिग एन मेजर्ड हमेशा जो रीडिंग लें जब थर्मोमीटर क्या हो सब्सटेंस में टच हो उसी समय रीडिंग ले लेना चाहिए क्योंकि इसको निकालते ही क्या हो जाएगा तुरंत टम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है किंग नहीं है लेबल मरकरी का तुरंत क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा डो नाट होल्ड दर्मोमीटर बाई एट बल्ब कभी भी इसके बल्ब को क्या करना चाहिए टच नहीं करना चाहिए हैंडल एट केयरफुली और हम आई 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 होप 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 टू मूव आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्या 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 इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय